महानंदा नदी का लगातार कटाव जारी, ग्रामीणों में है दहशत का माहौल। बरसों से की जा रही है पत्थर पाइलिंग की मांग। प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत काठगार पंचायत के धबोल गांव में महानंदा नदी का कटाव जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि महानंदा नदी के कटाव होने से सैकड़ों किसानों के खेत महानंदा नदी में समा गए। ग्रामीणों ने बताया कि महानंदा नदी में कटाव रोकने के लिए बोरा पाइलिंग कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद बोरा नदी में समा जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जिला पदाधिकारी स्वयं जांच करवाकर कार्य करवाने का कष्ट करें। प्रत्येक वर्ष नदी गांव की ओर बह रही है, गांव को बचाने के लिए जल्द कार्य होना अति आवश्यक है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि महानंदा विभाग के पदाधिकारी महानंदा नदी को देखने के लिए नहीं आते हैं। विभाग की पूरी तरह लापरवाही है। महानंदा विभाग के SDO पवन कुमार महानंदा नदी कटाव की सूचना मिलते ही आनन फानन पर महानंदा नदी कटाव स्थल पर पहुंचे और उनसे बोरा पाइलिंग का कार्य नारियल फोड़कर शुरू किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बोरा पाइलिंग का कार्य नहीं होना चाहिए, महानंदा नदी के समीप पत्थर पाइलिंग का कार्य होना चाहिए। ग्रामीणों का यह कहना है कि दलालों के द्वारा महानंदा नदी के समीप बोरा पाइलिंग का कार्य किया जाता है, इसलिए बाढ़ पानी के समय में खतरा मंडराता रहा है। ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से स्वयं जांच कर महानंदा नदी में पत्थर पाइलिंग करवाने की मांग की है। इस संबंध में जब महानंदा विभाग के SDO पवन कुमार से जानना चाहा तो उन्होंने कैमरा से बसते नजर आए। उनका कहना है कि आप मेरे उच्च अधिकारी से बात कीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काम आप करवाने आए हैं ना, काम चालू करवा रहे हैं ना आप? काम चालू करवा रहे हैं। उसके आधार पर आप दे सकते हैं कि नहीं बाइट? देखिए, हम जो है बाइट देने के अधिकारी नहीं है, आप हमारे उच्च अधिकारी से पूछ सकते हैं। भाई आप भी दे सकते हैं क्योंकि आप काम करवाने आए हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? हम जो आदेश मिलता है उसको काम वो करवाते हैं, हम ऑथराइज नहीं होते हैं ना आपके बोल्डर का, हम ऑथराइज हो सकते हैं, हमको जो निर्देश मिलता है। आपको बोल्डर के बारे में नहीं कहना, आप जो आज से काम प्रगति पर रहेगा, किस ढंग से काम किया जाएगा उस ढंग से आप बोल सकते हैं ना। कार्य तो जो है अभी देखिए कोरोना से जो रिलेटेड है, तो उसमें जो है सभी को अपना एक एक मीटर की दूरी पे ही बना के रहना है, हर चीज़ को फॉलो करना है। होता है लेकिन बोरा पाइलिंग से तो कुछ होता नहीं है। और SDO साहब जो वन विभाग का SDO है, वो हर साल हम लोग को दिलासा देता है कि अगले साल जो है मतलब पत्थर का काम होगा, फिर जब अगला साल आता तो वही बोरा का काम करके मतलब रिद्धि सिद्धि करके चल जाता है। 2017 में बाढ़ जो हुआ था हम लोग तो पूरा तबाह हो गए थे, और इस बार भी लग रहा है कि 2020 में भी हम लोग नहीं बचे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही नदी में पानी उठा है और बारिश हुआ है, जिसके कारण से लगभग अभी एक बीघा का जो मतलब वो चट्टान गिरा हुआ है नदी में, उसमें काम करने के लिए अभी वो लोग बोरा जियो बैग का काम करने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग गांव वाले से, गांव वाला जो है उस काम को नहीं चाहता, गांव वाला कहना है कि हम लोग का पत्थर का काम चाहिए और सही ढंग से काम होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? हम लोग का मांग यही है कि पत्थर का काम होना चाहिए, और ख़ास करके जो हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का जिला पदाधिकारी है उससे निवेदन है कि वो अपने स्तर से आए यहाँ पे और स्विंग जांच करके वो जाए, और जो उसको उचित लगे वो अपना काम कराए यहाँ पे, बस यही कहना है। जय साहब है गांव का, दो चार दलाल है, महीने में जब भी थोड़ा सा कटाट हुआ बोरा में बालू से भर के उसमें दे देता है, उसके बाद गांव वालों को कहने के बाद तो गांव वाला यही कहता है कि ठीक है सर, अगला साल से पत्थर का काम करा देंगे, हम वहाँ से आवेदन दिए हैं, यहाँ से ही किए हैं, हर चीज़ किए हैं उनके, मतलब जब फिर काम का होता फिर सब दलालों को लेके बोरा में, और SDO साहब जय साहब सबसे ख़राब है, इन्हीं के कमजोरी की वजह से 17 में बाढ़ कटा था। बोरा वहाँ रखेगा जाके मदन यादव का डेरा में, और मांगने जाएगा गांव वाले तो बोलेगा अभी SDO साहब नहीं बोला है तो जय साहब नहीं बोला, यही सब बात है और बाकी कुछ नहीं। DM साहब अपने स्तर से आए, चेक करें, देखे बंगाल बिहार का बॉर्डर नोक में है, नदी एकदम बिल्कुल नज़दीक में है गैठा हुआ, और हर आदमी मेरा समाज वाला का सबका कहना है कि हम लोग हम यहाँ का अच्छे इंसान हैं, सब हमको मानते हैं, तो इनका कहना आप ही आगे बढ़ के बोलिए, कम से कम 4 साल से यही लगा हुआ है। ये SDO साहब जय साहब का कहना है, दलालों का कहना है कि हम लोग से है तो अगला साल पत्थर का काम करा देंगे,
अगला साल से है तो करा देंगे, महीने में डेढ़ महीना में बारिश होता थोड़ा सा पानी हुआ सब बिल्कुल पूरा पानी में चला जाता है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग है हम लोग का पूरा समाज का कम से कम 1400-1500 घर है यहाँ, 2000 घर है, सबका मांग है कि पत्थर का काम हो एकदम बिल्कुल बंगाल का नोक में है, बिल्कुल बंगाल यहाँ से 17 में टूटा पूरा बंगाल बिहार पूरा फंस गया। नदी का कटाव जारी है? एकदम कटाव एकदम बिल्कुल जारी है। अपने डीएम साहब आए अपने अर्थ से चेक करें, जांच करें कि किस हालात में है। क्या नाम है आपका?